आधा घंटे से घुसा हुआ है भाई, खोल रहा है भाई। हेलो, खोल दे भाई। ओ भाई गेट खोल गया। देखिए ओ चलो भाई लेट्स गो। अभी भी लोग आ रहे हैं भाई यहाँ पे, पर अब मज़ा नहीं ऊपर जाने का भाई, है ना। अब नहीं मज़ा भाई ऊपर जाने का, मज़ा धूप धूप में है बस, बाकी नहीं। से 3 बजे तक, लास्ट 3-3.5 बजे तक, उससे बाद नहीं। रात को ट्रैकिंग भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, रहने का बंदोबस्त है नहीं वहाँ पे, सिर्फ खाने का हो सकता है बस थोड़ा बहुत, बाकी नहीं। चलो भाई चलो आ जाओ फिर, बैठो गड्डी पे। बाइक गंदी हो रखी है भाई, मिट्टी मिट्टी लग रखी है, कैमरे में दिखेगी ये, तो चलो कोई बात नहीं, मिट्टी तो लगनी है। मेरा मन कर रहा है कि इसको ऑफ रोड मोड ऑन कर दूं मैं, पर चलो कोई नहीं बाद में करेंगे, इतना सही है यहाँ पे, वरना ऑफ रोड मोड ऑन कर दूं मैं तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा काम। चलिए अब ऐसा ना भागेगी नहीं, वैसे ये खींच रही है ना एकदम, वो नहीं खींचेगी अभी, अब आराम से जाएगी। ओ भाई साहब, ओ भाई रे, फुल ऑफ रोड है मैन, फुल ऑफ रोड, और यहाँ राजेंद्र शॉट लेते हुए। ओ भाई साहब, आह ड्यूक का मज़ा भाई सिंगल का है, सिंगल में इसको जैसे मजे खड्डों में ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, दो में दिक्कत हो जाती है इसमें, संभालना मुश्किल हो जाती है। चलो भाई चलो, क्या बात है। सो देवी और सज्जनों, टाइम हो गया भाई 6:15, और अब हम चल पड़े यहाँ से रूम छोड़ के धर्मशाला से, धर्मशाला मैकरोड़गंज से कांगड़ा की तरफ। सो चलते हैं यहाँ से भाई, यहाँ पे बारिश होने वाली भाई कभी भी, सो चलना चाहिए यहाँ से जल्दी जल्दी। अंदर ही स्कूल आ गया, कितने का है? हाँ अच्छा 1500-2000 का, ठीक है चलो कोई नहीं, आया हम थोड़ी देर में नीचे जाके, 1500-2000 का रूम, ठीक है। सो देखा आपने गाइस क्या रेट है यहाँ पे। अब हम ये पूरी पहाड़ी उतरेंगे गाइस और पहुंच जाएंगे धर्मशाला। सदेवी और सज्जनों, हम पहुंच गए हैं धर्मशाला में, कांगड़ा है यहाँ से 16 किलोमीटर। सो हमारा स्टॉप होगा अब सीधा कांगड़ा में, और भाई देखो भाई धर्मशाला काफ़ी क्लीन है, मैकलोडगंज से ज़्यादा क्लीन है धर्मशाला, मैकलोडगंज से ज़्यादा क्लीन है। हाँ धर्मशाला को वहाँ पे ना मैंने एक सबसे बड़ी दिक्कत देखी कि डस्टबिन बहुत कम है। हाँ डस्टबिन नहीं वहाँ पे, बहुत कम। और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी भी कहते हैं ना, मेरे को जितना पता है। अरे कांगड़ा, हाँ पीछे गड्डी आ गई, ठंडे ठंडे बूंदे पड़ रही है, बारिश लग गई बाइक जोर से, आप देख सकते हो। ओ भाई रे, भीग जाएंगे आज तो भाई बुरी तरह से, ये है भाई आज हो ही जाएगा काम आज मेरे को लग रहा है। नहीं वैसे भी धर्मशाला में बारिश होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं, कॉमन है हमें बारिश, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ सबसे ज़्यादा बारिश वैसे भी होती है यहीं पे ही है, पर हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी कांगड़ा तक पहुँच जाएँ, क्योंकि हमने कई बार देखा कि बारिश हमारी धर्मशाला तक की होती है, ये आगे सूखा होता सारा, क्यों है ना, ऐसा भी सीन होता है यहाँ पे। ये 2-4 किलोमीटर का रास्ता सारा बस वो कवर हो जाए जल्दी जल्दी, फिर नहीं टेंशन। सो गाइस हम पहुंच गए हैं कांगड़ा में, ओ भाई साहब पूरा भीग गए। सो गाइस हम पहुंच गए हैं कांगड़ा देवी मंदिर में, ब्रजेश्वरी टेंपल कांगड़ा। ओ भाई रे, यहाँ तो मुश्किल हो रहा है भाई, आज काफ़ी रश है देख सकते हो आप भी भाई, क्या बात है।
काफ़ी भीड़ होने वाली है मंदिर में आज। सो रजिंदर भाई ने कहा कि भाई रास्ता क्लियर है, सो बाइक अपन ऊपर लेकर जाएंगे अब, क्योंकि यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे रिस्क हो सकता है बाइक के साथ। देवी और सज्जनों टाइम हो गया भाई, रात के 9:30 बज गए हैं। सो ये देखिए गाइस हमारा कमरा, हमारा कमरा ये मिला भाई, मैं बैठ गया। सो ये रहा हमारा कमरा गाइस, ठीक है फिर भी ठीक है, बजट में मिला भाई, बजट में मिला, काफी सस्ते में सर गया हमारा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सरान थी, फुल हो गई थी पूरी। सो हमारे पास यही ऑप्शन था कि मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है। सो चलते हैं यहाँ से जल्दी मंदिर की तरफ जाएगी और खाना खुना खाएंगे चल के, और भाई काफी थक गया तो है ना, बहुत थके हैं भाई, बारिश लगी है बाहर, ट्रैकिंग भी काफी करी और सफर भी काफी करा, बारिश लगी है बाद बार पर बारिश भी रुक गई। सो चलते हैं यहाँ से रूम लोग रूम कर दे बंद, ये देखो ताला गाइस, ताला मिला भाई, रूम बंद कर, ये हमारा ताला। ओह व्हाट आर यू। सो चलते हैं यहाँ से, काफी बड़ा ताला है और सामान आपका पता हमारा काफ़ी महंगा ही है, तो कोई बात नहीं, अब क्या ऐसा। जय माता दी ब्रजेश्वरी देवी मंदिर न्यास बाहर। भाई यूपी से आ रखे हैं भाई श्रद्धालु मंदिर के लिए, आप घूमने के लिए आ रहे हैं। सो सवेरे 8:30 बज रहे हैं और अभी हम उठे हैं भाई, देखो सामान सारा सूखने डाल रखा भाई, गीला हो गया भाई सारा, बारिश से भीग गए, एक जैकेट फेंक रखी हुई यहाँ पे बड़ी। और बाहर का बताता हूँ आपको, बाहर का सीन कैसा है सुबह सुबह, देखो योगा हो रहा, देखो योगा, अब योगा से योगा, अब योगा से योगा, ये देखो देखिए ये यहाँ ले रखा था हमने रूम, एक्चुअली वहाँ पे तो सारा फुल था, वरना हमने वहीं पे लेना था, मंदिर का जो धर्मशाला होती है वहीं पे, वहाँ बढ़िया रूम मिल जाना था 400-500 रुपये में, पर नहीं मिला, फुल था सारा, पर यहाँ भी ठीक ही है, बस ये शोर शराबा तंग कर रहा थोड़ा, बाकी तो ठीक ही है वैसे, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करना ज़रूरी है लाइफ में। और ये है बस, अब हम नहाएंगे और निकलेंगे यहाँ से मंदिर की तरफ, दर्शन करेंगे और देखते हैं फिर आगे का प्लान क्या बनता है आज। भाई मेरे को पसाव लगा भाई, बड़े जोर का भाई, वही भाई आधा घंटे से घुसा हुआ है भाई, खो नहीं रहा है भाई, मजाक नहीं, हालत ख़राब हो रही है मेरी यहाँ पे। हेलो बोल दे भाई, यार ये तो गलत बात है भाई, तो गाइस निकल चुके हैं यहाँ से रूम को छोड़ के, हम जा रहे हैं मंदिर वाली तरफ, वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे और खाना खाएंगे और राइड कंटिन्यू करेंगे आगे को।
टाइम हो गया दोपहर के 12:30 और अभी हम दर्शन करके वापस आ गए हैं। और अभी आपने देखा क्लिप, हम जहाँ पे ये बौद्ध धर्म वाले बैठे थे भिक्षु, सो वहाँ पे भी हम जाके आ गए। फॉरनर्स भी काफ़ी बैठे थे अंदर। सो अभी अपने को लंगर खाना है और निकलना है यहाँ से। आप देख सकते हो पब्लिक बैठी है, वेट कर रही है गेट खुलने का। लंगर हॉल का गेट नहीं खुला अभी तक। सो अभी गेट खुलेगा तो हम जाएंगे खाना खाने। भाई गेट खुल गया देखिए। ओ जय माता दी, जय माता दी। अब तो भाई भीड़ बढ़ती ही जा रही है भाई यहाँ पे देखो। अब दर्शनों के लिए लंबी लाइन लग गई बहुत देखो। अरे वाह हम सही रहे ना, दो मिनट में दर्शन करके भाई वापस आ गए देख सकते हो आप। और अभी टाइम हो रहा भाई दोपहर का 1 बज रहा है और लंगर वगैरह हमारा हो गया। अब हम बाइक के पास जा रहे हैं, बाइक स्टार्ट करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। तो भी गाइस हम तैयार हो गए निकलने के लिए और भाई पसीने पड़ने शुरू हो गए, बहुत गर्मी है यहाँ पे। और भाई चलते चलते भाई एक तगड़ा सीन हो गया हमारे साथ, बताते हैं आपको। ये देखिए ये मेरा GoPro और ये GoPro का माउंट। ये देखिए गाइस ये भाई यहाँ से टूट गया भाई, ये देखिए यहाँ से टूट गया। ये इस साइड को देखिए एक टांग है इसकी, ये वाली टांग है, ये वाली टूट गई इसकी। अब ये इस पर माउंट नहीं हो पाएगा। सो ये सीन हो गया। सो अब ये करेंगे अपन की रास्ते में रुक के थोड़ा बहुत शॉट ले लेंगे क्योंकि मोटर ब्लॉग नहीं हो पाएगा। हम रुक के ही थोड़ा बहुत ब्लॉग लेंगे भाई। हाँ क्योंकि ये मेन सारा हमने कवर कर लिया, जितने भी पॉइंट्स थे वो कवर कर लिया और हमने सीधा घर को ही जाना है। हाँ सो चलते हैं यहाँ से, गर्मी पड़ रही है बहुत। देखिए गाइस कांगड़ा टनल आपके सामने। सो गाइस अभी टाइम हो गया भाई 2:15 हो गए और अभी गाड़ी में रिफ्यूलिंग करवाई मैंने। और भाई इतनी गर्मी हो रखी है, इतनी गर्मी हो रखी है, ऐसा लग रहा है गलत जा रहे हैं नीचे घर वाली साइड। मैकलोडगंज अब वाटरफॉल की याद आ रही है अब तो। हाँ वाटरफॉल की याद आ रही है। उस टाइम मन नहीं करा छलांग लगाने का, मन कर रहा है अब मिल जाए ना कूद जाएंगे, तो क्या करें अब जाना पड़ेगा, अब धक्के खाने पड़ेंगे गाइस। अब NH हम छोड़ रहे हैं, अब जाएंगे इस रास्ते पे, ये कटा फटा रास्ता, खड्डे खड्डे मिलेंगे अब तो भाई। जहाँ भी ब्रेक ले रहे हैं भाई मुंह धो रहे हैं हम। भाई गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, पसीने आँखों में जा रहे हैं भाई कसम से, बुरी हालत है। चलो कोई नहीं देखना भाई। इसने दिने पे रखी है भाई। अरे भाई इसने पी रखी है भाई, पी रखी है इसने। ये सामने ठेका देखिए, ठेका बंदा पूरा मौज ले रहा है। सो गाड़ी में टाइम हो गया भाई 5:30 और हम पहुंच गए हैं बंगाणा से थोड़े आगे। क्या जगह है ये? ननावी। ननावी जगह ये। और रजिंदर भाई को करते हैं बाय बाय। अब बाय बाय गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो देख लो भाई पहुंच गए आराम से, आराम से पहुंच गए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्लो मोशन में आए हम। बिल्कुल मजे मजे से आए हम, है ना, मजे मजे से। और क्या ब्लॉग भी हो गया देख लो, माउंट भी टूट गया था फिर भी मैंने कर ही दिया ब्लॉग अपना। हमने कर दिया ब्लॉग, फिर भी कर ही दिया ब्लॉग उन्होंने। देखो हिम्मत करने वाला की हार नहीं होती, बिल्कुल भाई आई एम राइट। सो यहाँ से लगा लो आधा पौना घंटा लग जाएगा घर पहुँचने में, आराम से लग जाएगा, आधा पौना घंटा लग ही जाएगा। पर अब ऐसा रोड अच्छे हैं बिल्कुल, NH है, उसके आगे तलाई से आगे होगी थोड़ी दिक्कत, बाकी ठीक है सारा ही। वो 4-5 किलोमीटर तो है, 4-5 किलोमीटर है सारा ही। अच्छा चलो ठीक है भाई, तो फिर ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हाँ जी बहुत मजा किया, बहुत बकचोदी करी हमने भाई। जब आप देखोगे ना ब्लॉग पड़ेगा जब, तो फिर देखना। हाँ बहुत बकचोदी करी है, बहुत बकचोदी करी हमने। सो चलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ लठियाणी में, अभी रोड साइड थोड़ा ब्रेक लिया है, मंदिर जाऊँगा यहाँ पे 2 मिनट मत्था टेकूंगा यहाँ पे। और भाई ये ट्रक देख रहे हो, जब मैं गुड़गांव से आया था भाई तो ये ट्रक मिला था मेरे को रास्ते में, तो इन्होंने सब्सक्राइब कराया, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, क्या बात है कहाँ मिल गए। बड़ी खुशी होती है मेरे को,
ये ट्रक से उतरे अभी और इनका भाई पहचाना कि नहीं, मैंने कहा जी भाई पहचान लिया मैंने, फिर मैं याद है मैंने कहाँ देखा था मैंने, फिर याद आया मेरे को मैंने कीर्तपुर में देखा था इनको लास्ट टाइम। सो अभी जाएंगे मत्था मत्था टेकेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से घर की तरफ। सो ये मिलाते हैं आपको मैं जी, हेलो कर लेना जी यहाँ पे कैमरा। ये भाई हमको कीर्तपुर में मिले थे देख लो, और अभी ये काजा से जाके आ रहे हैं भाई, काजा स्पीति जाके आ रहे हैं। कैसा मौसम भाई? भाई ठंडा 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 मौसम है, मज़ा आया पूरा। रोड कैसा है वहाँ पे? रोड बहुत खराब है आजकल। रोड खराब है ना, और टूरिज्म ठीक होना ना? बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं ठीक है, टूरिज्म बहुत है वहाँ पे इस टाइम जाके फायदा नहीं। वैसे अब बताऊँ आपको मैं, थोड़े दिनों के बाद जब थोड़ा टूरिज्म थोड़ा डाउन हो जाए, थोड़ा सीजन थोड़ा डाउन हो जाए, तब जाके फायदा है। अभी तो अभी ताज़ा ओपन हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी सफ़र को ख़त्म करने का वक्त आ गया है तो मनु आ गया यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा टेस्टी बर्गर वगैरह खाया। सो अब मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ, और जल्दी से कर दें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना, और यूट्यूब वालों सब्सक्राइब करो। मनु हेलो करो यहाँ पे, जैसे स्टार्ट करता वैसे एंड कर दिया, मनु लेने आ गया मेरे को तलाई में। सो मिलते हैं आप जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।